So CO2 is comprises 0.03%, and remaining 0.0% comprises other gases and water vapor. तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि सबसे ज्यादा गैसेस किस चीज की है, मेजोरिटी हमारा जो एटमॉस्फेयर वो किस चीज से मिलकर बना है, तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आप अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है लेयर्स। हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लेयर्स में डिवाइडेड है। वो कैसे डिवाइडेड है उसके बारे में देखते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू 1000 किलोमीटर इन द स्पेस। सपोज इट इज अर्थ from earth atmosphere earth surface it is situated in 1000 km. Now 99% of atmosphere means atmosphere of earth situated in 32 km. ये जो आपका 32 km है यहाँ से, यहाँ पे आपका 99% जो है वो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। नाउ वी आर कमिंग इनटू द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच डिफरेंट फिनोमिना अकर्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर विच एग्जिस्ट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस टू 18 km एट इक्वेटर एंड 8 km एट पोल्स। बेसिकली ये अर्थ है आपका, इसके चारों तरफ जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। इक्वेटर पे 18 km, पोल्स पे आपका 8 km। ये जो डिफरेंस है आपका, ये हीट की वजह से है। इक्वेटर पे आपकी हीट ज़्यादा होती है, एयर ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है, पोल्स पे हीट कम होती है तो एयर कोल्ड होने की वजह से नीचे की तरफ रहती है। तो ये जो आपका एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये पोल्स पे 8 km और इक्वेटर पे 18 km होता है। इसमें एक स्पेसिफिक फिनोमिना होता है, जैसे हाइट के साथ ऊपर की तरफ जाते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घटने लगता है। मतलब हम ऊंचाई में पहुंचेंगे तो टेम्परेचर हमारा नीचे के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल वेदर फिनोमिना एग्जिस्ट इन दिस लेयर। वेदर फिनोमिना मीन्स इवेपोरेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेनफॉल, ये सारे वेदर फिनोमिना में आते हैं। और ये सारी चीजें हमारी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। यहीं पे हमारा इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन के साथ धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो वहां पे क्या होती है, टेम्परेचर कम होने लगता है, क्लाउड फॉर्मेशन होने लगती है, और क्लाउड फॉर्मेशन के साथ में हमारा क्या होता है, वहां पे रेनफॉल होने लगता है। रेनफॉल होने की वजह से सारे के सारे वेदर फिनोमिना हमारे इसी चीज में होते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हमारी जो लेयर है इट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो एग्जिस्ट करती है वो लगभग 50 km के आसपास करती है। 50 km तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या क्या चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहला इसमें हमारी ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। ओजोन लेयर हमारी क्या काम करती है, ओजोन लेयर सन रेज में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको एब्जॉर्ब करती है। उनको एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट के साथ ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होने लगता है, टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी हमारा बढ़ता रहेगा, ये इससे जस्ट उल्टा है। दूसरा, ये जो ओजोन लेयर है ये एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि इसको जो हम इसको जो यूनिट में मेजर करते हैं वो हमारी डोप्सन यूनिट होती है। अगर ये क्वेश्चन होता है ओजोन लेयर की थिकनेस वो किस चीज में मेजर करते हैं, तो इट इज डोप्सन यूनिट। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक चीज यहाँ पे रहती है, प्लेन्स एंड जेट इन चीजों को कंड्यूसिव है फ्लाई करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज नो वर्टिकल विंड इन दिस लेयर, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्लेन और फ्लाई जेट जो है वो इजिली फ्लाई करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्लेन और जेट इजीली कहाँ पे फ्लाई करते हैं, तो उसका वो कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि व्हाई स्ट्रेटोस्फीयर इज वेरी कंड्यूसिव फॉर फ्लाइंग ऑफ प्लेन एंड जेट। द रीजन बिहाइंड इट, देयर इज नो वर्टिकल विंड, यहाँ पे कोई भी वर्टिकल विंड नहीं होती है। वर्टिकल विंड कैसे होती है, यहाँ से आपका इवेपोरेशन की वजह से डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से वो विंड ज्यादा ऊपर नहीं जाती है और यहीं पर रेनफॉल हो जाता है। इट मींस कि जो आपकी विंड है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है उसने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपोज। यहाँ पे क्या होता है आपका, स्ट्रेटोपोज होता है। नेक्स्ट लेयर इज मेसोस्फीयर, जो एग्जिस्ट करती है आपकी
50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर यहाँ पे एक स्पेसिफिक फिनोमिना होता है आपका, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर आपका डाउन होने लगता है, ज़्यादा हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर कम होने लगेगा, सेम एज ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे कोई ज़्यादा स्पेसिफिक फिनोमिना नहीं है एंड इट इज़ हार्ड टू स्टडी, तो इसको क्लासीफाई किया मेसोस्फेयर और ये आपके मिडिल में आती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है आपकी आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर इसको बोला जाता है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डिवाइडेड इनटू आयन्स, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स, तो दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स एग्जिस्ट इन दिस लेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयनोस्फेयर। दीज आयन्स हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन, ये क्या होता है हमारा जो रेडियो वेव्स होती है उनको रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू दीज आयन्स, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज मीटियोर्स, मीटियोर्स बेसिकली बर्न इन टू दिस लेयर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, समटाइम दे कम्स इन टू मेसोस्फेयर बट मेजोरिटी ऑफ टाइम दे आर सीन इन द आयनोस्फेयर, तो दिस इज द आयनोस्फेयर। इसके एग्जिस्ट होता है 80 किलोमीटर टू 450 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर का जो सिचुएशन है इट इज अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। इन दिस लेयर आवर एटमोसफेयर, आवर एटमोसफेयर मीन्स एटमोसफेयर ऑफ अर्थ कंबाइंड विद आउटर स्पेस, तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यहाँ के बाद आउटर स्पेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे मेजोरिटी जो चीज़ें मिलती है वो क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन, तो दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, अर्थ एटमोसफेयर। दीज आर द सम फैक्ट लाइक कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर, कहाँ पे हमारा क्या चीज़ है, तो ये हमारा इससे रिलेटेड है।